हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट फिफ्थ ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये असर्टेन करना, यानी कि ये जानना कि जो इनकम है, क्लियर, वो क्या है, ज्यादा एक्सपेंडिचर से या एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है इनकम से। क्लियर, तो इसलिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करना। क्लियर, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ है एक फर्म को या नेट लॉस हुआ है। क्लियर, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपेयर्ड बाय। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसको कौन प्रिपेयर करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, यानी कि इनको कौन प्रिपेयर करते हैं, एनपीओस। क्लियर, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, यानी कि जो क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो किसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर, यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसकी हेल्प से और अदर इंफॉर्मेशन की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो किसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि सरप्लस हुआ है एक फर्म को या फिर डेफिशिट हुआ है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से एक फर्म को सरप्लस और डेफिशिट के बारे में पता चलता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी हेल्प से एक फर्म को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। यानी कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसका बैलेंस क्या होता है हमारे पास, सरप्लस या डेफिसिट में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका बैलेंस हमारे पास कैसे आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बेसिस पे। ओके, तो ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, चाहे कोई प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए। ओके, तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी बैलेंसेज है, हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो भी हमारे रिवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, क्लियर, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे पास बैलेंसेस बचते हैं, वो हम किस में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। ओके, यानी कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल फंड। ओके, यानी कि ये क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बैलेंस शीट के। ओके, एक कंपनी क्या करती है, जब अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है हमारे पास, जो हमारे पास फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, यानी कि जो फिक्स एसेट्स है, उनको हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके, और जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन, यानी कि परचेज से रिगार्डिंग, सेल से रिगार्डिंग और डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग, क्लियर, उनकी जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम किस में करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, हम फिक्स एसेट्स के एडजस्टमेंट किस बेसिस पे करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट्स को ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, क्लियर, तो वो क्या करेगी, अपनी एसेट्स को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, यानी कि अगर परचेज किया है, तो उस केस में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड में शो करेगी, क्लियर,
यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट को परचेज करती है तो वो क्या करेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में उसको रिकॉर्ड करेगी। सेकेंड, वो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करेगी। थर्ड, वो क्या करेगी, जो प्रीवियस ईयर जो इसने एसेट परचेज की थी उसके अंदर क्या करेगी, उस वैल्यू को एड करेगी। ओके, ये हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग परचेज ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सेकेंड हमारे पास इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, उस केस में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में उसको नोट डाउन करेगी और जो प्रीवियस ईयर की एसेट है उसमें से उसको क्या कर देगी, लेस कर देगी। ओके, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो उस वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। ओके, जो हमारे पास अनपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्यूर्ड इनकम है, क्लियर, उनको हम कहां शो करेंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्यूर्ड इनकम है और इन्वेस्टमेंट है, क्लियर, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। ओके, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, उसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम कहां शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ओके, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग एसेट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटीज, क्लियर। लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कोई ओल्ड लोन है, क्लियर, उसको हम पहले क्या करेंगे, रीपे करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई न्यू लोन है तो उसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई न्यू लोन रेज हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं, क्लियर। अगर क्या है, कोई न्यू लोन है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई स्पेशल रिसिप्ट हमें रिसीव हुई है रिगार्डिंग डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, क्लियर, तो उनको हम कहां शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ओके, यानी कि जो स्पेशल फंड्स हैं हमारे उनको हम कहां शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या अनअर्न्ड एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम कहां शो करते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ओके, लास्ट है हमारे पास इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल फंड और जनरल फंड। क्लियर, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उससे हमें क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, क्लियर। अगर एक फर्म को सरप्लस हुआ है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर देते हैं, और अगर एक फर्म को डेफिसिट हुआ है तो कैपिटल फंड में से उसको लेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बैलेंस, क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5th ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।